मेरे को आरपी रोग है, आपने कहाँ कहाँ दिखाया था? डॉक्टर हालडिया साहब को गुजरात में नागपाल साहब आपको क्या कहा गया था? बीमारी का कोई इलाज एक ऑपरेशन किया था आपको, क्या हाँ कहते हैं उसको? ओमेटोपेप्सी ने बाय यहाँ से निकाल करके हाँ, सिर के बाल काट कर यहाँ पे फिट किए हुए, क्या कहा था आपसे? जितनी है उतनी रहेगी रोशनी। इसमें बड़े भाई को भी है, उसका भी ऑपरेशन करवाया, जो ऑपरेशन में मैं बर्बाद हो गया। आपको कोई फर्क महसूस हुआ क्या? नहीं लेकिन आपकी रोशनी अब कम हो गई, कम होती चली जा रही है, परेशानी आपको। तो दूर का अकेला कम दिखता है या पास का भी कम दिखता है? पास का भी कम दिखता है, साइड में भी नजर नहीं आता, लाइलाज बीमारी है। हाँ। तो आपने नहीं कहा कि सर हम विदेश में कहीं इलाज है क्या? उन्होंने बताया इसका कोई इलाज ही नहीं है। आपको डॉक्टर ऋषभ जैन का पता कैसे मालूम पड़ा? इंटरनेट से पता चला, दूसरे बच्चों का वीडियो देखा। हाँ। नहीं दिख रही मुझे, नहीं दिख रही कुछ। ने दोनों आंखों में आपको अभी कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, चश्मे से, बिना चश्मे से आप उंगलियां नहीं गिन सकते। जो भी काम जिंदगी का चल रहा है वो अंदाजे से चल रहा है। हाँ। क्या परेशानी है आपके बच्चों को? हाथ को दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ, तकरा करके गिर जाता है। हाँ। सबको आरपी योग है, नशे सूखा रही है, कोई उपचार नहीं है। इसको लाओ, इंजेक्शन आँखों के अंदर लगवाओ। 5 साल तक वो इंजेक्शन लगवाया, इन 5 सालों से निरंतर बच्चे की रोशनी हाँ। खत्म हो रही है। वो अक्षर भी नहीं पढ़ सकता, रंग हाँ। भी नहीं देख सकता और दुनिया का कुछ भी काम हाँ। नहीं कर सकता है हाँ। बिना आपके सहारे के। ऑपरेशन के बाद यानी दोनों बच्चों को कोई फर्क नहीं हुआ। कौन से हॉस्पिटल गए थे भोपाल में आप? संजीवनी सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल। हाँ। उस समय आपके बेटे को क्या दिखता था? 2 लाइन पढ़ जाता था, मतलब 12 मीटर आज नहीं पढ़ पाता। 3 महीने आपने संजीवनी हॉस्पिटल का इलाज जो करा, तो इसकी रोशनी जो थी वो भी खत्म हो गई और इसके पास क्या बचा है? सिर्फ लाइट पहचानता है। रोशनी इनकी वहाँ के इलाज के बाद खत्म ही हो गई है। तो आपको बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ। हम प्रयास करेंगे कि बच्चे को दिखना शुरू हो जाए। प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य में गोपाल मंदिर छतरी चौक के पास एक हॉस्पिटल है, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय। उज्जैन के आए थे उस दिन आपकी क्या स्थिति थी? लाइट देख पा रहे थे या भी नहीं गिन पा रहे? आज आपको 1 महीना हो गया है, आपको क्या फर्क आया? आपको क्या परेशानियां कम लग रही है? जाने आने में ज्यादा कठिनाई होती थी, लिखने पढ़ने में ज्यादा कठिनाई होती थी, लाइन ऑन नहीं दिखती थी, वो लाइन ऑन अभी दिख रही है। क्या टीचर है ना आप? हाँ। तो आप अपने स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको घूम फिर लेते हैं अपने आराम से? हाँ, घूम फिर। पहले आपको कलर भी दिखना बंद कलर हो गए थे, जब आज आपको कलर दिख रहे हैं, कलर दिखना शुरू हो गए हैं। आप मम्मी पापा भाई बहन इनको भाभी वगैरह को पहचान लेते हैं? हाँ, पहचान। पढ़ सकते हैं क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है, इसके नीचे कुछ OLA दिख रहा है। आज आप चौथी लाइन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब समझते हैं क्या पढ़ रहे हैं आप? आज आप 24 मीटर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब होता है करीब 80 फीट बाईं आंख से हुई है और दाहिनी आंख से 6 मीटर हो गई है। हाँ। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। हम भी यही चाहते हैं, जैसे अनेक रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में।